क्या आप भी बिहार में राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं और आपको स्टेटस चेक करना नहीं आता है कि किस तरीके से स्टेटस चेक किया जाता है कि मेरा जो है सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, प्रोग्रेस कहां तक पहुंचा है, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये दिखाऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, अगर आप बिहार में राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं और आपको नहीं पता है कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरा प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है जो मैं ऑनलाइन अप्लाई किया हूँ, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा किस तरीके से बिहार में राशन कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो उसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। अगर आप इस सिचुएशन में साइबर कैफे या दुकान वाले के पास जाते हैं, वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ ले लेगा बस यही चेक करने के लिए कि आपका जो है राशन कार्ड में क्या प्रोग्रेस है, उसका स्टेटस क्या है। तो इस वीडियो में आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर बनिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ये कैसे चेक करेंगे कि अगर आप बिहार में राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं और आपको स्टेटस चेक करना नहीं आता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप जो है बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कर पाएंगे कि किस तरीके से बिहार राशन कार्ड का जो अप्लाई किए हुए हैं उसका स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार राशन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र पे ओपन हो जाइए। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे ओपन हो जाता हूँ, यहाँ पे आपको टाइपिंग करना है EPDS बिहार। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से टाइपिंग होके आ रहा है, इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपको ये साइट कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएगा, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है RC इशू सिस्टम लिंक, तो आपको इस पर ओके कर देना है। जैसे इसको ओके कीजिए तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं होम एप्लीकेशन स्टेटस बैक टू EPDS साइट, तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ज़िले का नाम यहाँ पे ऑप्शन में चूज करके डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपने ज़िले का नाम डाल देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने अनुमंडल का नाम चूज करना है। तो आप जो भी अनुमंडल से है वो अनुमंडल यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। तो मैं अपने अनुमंडल का नाम यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको RTPS संख्या आपको क्या डालना है, तो जो भी डालना है RPTS संख्या है, तो आइए हम वो RTPS संख्या को डिटेल से जान लेते हैं कि वो हमको RTPS संख्या इसमें क्या टाइपिंग करना है। तो आइए हम देख लेते हैं उसको। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि आपको ब्लॉक में कुछ इस तरह से जो आपका स्लिप दिया होगा, तो वो स्लिप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे 070-5151-04200-1791, तो आप कुछ इस तरह से ये नंबर दिया होगा। तो ये नंबर आपको, मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये नंबर आपको जो है वहाँ पर डालना पड़ेगा। और ये नंबर जैसे वहाँ पर डालिएगा तो आपका जो स्टेटस है वो आपको बताएगा कि आपका स्टेटस क्या है। तो आइए हम ये नंबर वहाँ फिलअप करके चेक कर लेते हैं कि ये मेरे जो स्लिप है उसका स्टेटस क्या है। आइए हम चेक कर लेते हैं। तो हमको वो वाली संख्या यहाँ पे टाइपिंग कर देना है, तो यहाँ पे हम वो वाली संख्या यहाँ पे टाइपिंग कर देते हैं। तो फाइनली हम वो वाले संख्या यहाँ पे टाइपिंग कर दिए हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से आप इसको शो वाले ऑप्शन पे ओके कर दीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए शो किया हूँ, तो यहाँ लिखा आ रहा है कि आवेदन मौजूद नहीं पाया गया है, जबकि मैं ये आवेदन ब्लॉक में जाके सबमिट कर चुका हूँ। तो ये शायद ब्लॉक में ही होगा, इसीलिए ऐसा लिख के आ रहा है। अगर आपका ब्लॉक से चल जाता है
अगर आपका ब्लॉक से फॉरवर्ड हो जाता है डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक अग्रसर कर दिया है, मतलब आगे भेज दिया गया है, ऐसा कुछ लिख के आएगा। तो ये मेरा अभी, मैं कल ही इसको आवेदन किया हूँ, तो इसीलिए कुछ ऐसा ऑप्शन लिख के आ रहा है, क्योंकि ये अभी ब्लॉक में ही है इसीलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका आगे चल जाएगा तो आपको यहाँ पे कुछ अग्रसर करके लिखा आएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक अग्रसर कर दिया है, मतलब आगे भेज दिया गया है, तो कुछ ऐसा लिख के आएगा। तो आप बहुत ही आसानी से इसी तरह अपने घर बैठे अपने राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि जो हम आवेदन किए हैं तो उसका स्टेटस क्या है, है ना। तो अपने घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैबलेट से घर बैठे स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिहार में अगर आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो उसका स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।